हत्याविहीना अपराधलक्षुई क्षिप्तस्य कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please turn off your cell phones. हरि भक्ति आरंभ होता है गुरु पदाश्रय से, उसका बाद दीक्षा शिक्षा, ये सिर्फ वैष्णव का है ऐसा नहीं, कौर्मियों का बीतने भी है। इसलिए देखा जाता है जब तक सिंसियर ना हो तब तक इसको फायदा नहीं। महाभारत में आयुध धर्म बोल के एक गुरु था, उनका पास गया, बहुत छात्र जाते थे विद्या प्राप्ति के लिए, लेकिन उनमें महाभारत में देखा है तीन प्रधान, एक है आरुणी, एक है उद्दालक और एक है क्या नाम है उपमन्यु, ये तीन है प्रधान। तो गुरु जी ने इनको दिया तुम गौ को रक्षा करो, ये कोई विद्यार्जन का पद्धति है, ये कोई हरिभक्ति का पद्धति है। इसलिए पहले तो आज्ञा पालन सीखो, तो इनको दिया, बड़ा ध्यान से गौ सेवा किया, लेकिन देखते हैं इनका शरीर हिष्ट पुष्ट है। उनसे पूछा तुम कैसे गुजारा करते हो, वो बोलता है मैं यहाँ जाता हूँ जब गौ आराम करते हैं उस वक्त मैं गांव में जाकर मांग के खा लेता, अरे ये तो तुमका अधिकार नहीं है, जब अपना आपको समर्पित कर दिया तो तुमने जहाँ भी संग्रह करो ये देने पड़ेगा, वो देने लगा। बाद में देखता है वो भी पुष्ट पुष्ट है, तो बोलता है कैसे गुजारा करते हो, तो बोलता है गौ का बच्चा दूध पीने का बाद जो जुगाली करते हैं मैं उसको खा लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना, इसलिए तुम जैसे उसको सेवा करते हो यह उसको ज्यादा करेगा। क्या ज्यादा करेगा, वो जिसमें झाग ज्यादा निकलेगा वो नहीं करना, ऐसा जो भी करे पर तुम समर्पित आत्मा, तुमको तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तब क्या किया ना, वो बच्चा पी के जब संतुष्ट हो जाता छोड़ देता, वो उस वक्त थोड़ा जो आपको पी ले, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तो गौ माता तुम सेवा करते हो इसलिए वो बच्चा को नहीं देकर वो तुम्हारे लिए छुपा के रख देगा, ये भी नहीं करना। अभी क्या भी बात है, एक रोज क्या हुआ, बहुत भूखा है तो ईक का पाता खाया, कुमला ईक का पाता,
उसका दूध निकालता है और वो दूध से अंधा हो गया। गौ साहब लौट के आ गया लेकिन उपमन्यु आया नहीं, वो कुआ में गिर गया। अब गुरु लालटेन लेकर वो ढूंढने लगे, उपमन्यु कहाँ कहाँ। तो उन्होंने देखा, क्या देखा, ये उपमन्यु को आवाज आता है लेकिन दिखता नहीं। तो अरे तुमने कहा हो बताओ, बोलता मैं कुआ का अंदर में गिरा, ये अंधा कुप है। तो उन्होंने जाकर उसको उठाया, उसका बाद उन्होंने देवबुद्ध को आह्वान किया, वो आकर के उनको चला गया। वो गुरु उसका पिस्टॉक दिया खाने का, ये दवाई। वो बोलते ये तो मैं नहीं खा सकता हूँ, अगर गुरु जी का आदेश हो तब। तो गुरु जी आदेश किया और लिया। अच्छा, ऐसा वो आयुष जन्म था। दूसरी एक था, उनको बोला देखो बहुत दिनों का बाद बारिश आया, खेतकारों का जमीन में पानी टिकेगा नहीं, पानी भाग सकता है, इसलिए जाओ देखो तालाब कहाँ खुला है कि ये है, जैसे पानी बर्बाद ना हो। वो गया, जाकर के देखा जहाँ से तालाब का पानी खेतकार लोग निकालते थे उसको बंद नहीं किया था। वो क्या करे, उसका पास फावड़ा वगैरह कुछ है ही नहीं, उसी गंदर में सो गया। सो करके पानी को बचा के रखा है। वो देखा रात भर, गुरुजी ने देखा वो आया। फिर और एक शिष्य था, इनका ऊपर संतुष्ट हो, वो क्या किया ना, गुरुजी जो चौकी में सोते थे उनका एक पहिया टूट गया, वो उसने अपना घुटना को वहाँ देकर रात भर जागरण किया। तब बोला तुम्हारा भी विद्या अर्जन हो गया, सब शास्त्र तुमको आ गया। ये कैसे आ गया सब शास्त्र, ऐसा करने से सब शास्त्र आ जाएगा, इसीलिए आएगा। ये जो है, ये जब शरीर का प्रति आत्मबुद्धि नहीं रहता है और इसी कोई गुरुत्व देता है, तभी तो विद्या का फल है। विद्या होता है इस शरीर धर्म मनोधर्म का ऊपर आत्मधर्म में जाना, ये हो गया। अभी जब आया तब इनको बोला तुम्हारा विद्या अर्जन हो गया, तुम सर्वशास्त्र में पारंगत हो जाओगे। तो बताया गुरु दक्षिणा दो, तो बोला दक्षिणा हो गया, हमारा कुछ लगेगा नहीं, अगर देना है गुरु पत्नी से पूछ। उनको पास गया, वो बोला ओदिति का कुंडल लेके दो। ओदिति कौन है, ओदिति है देवो माता, देवता का जननी, कोई उनका कुंडल लेके दो। वो गया और उसको लेकर के जब आ रहा था तब रास्ता में एक उत्सव बोला तुम हमारा गुज्जो देश में फू दो। वो जब उनका गुरु को दुहाई दिया तब उन्होंने दिया। फिर एक बैल सांड, वो बोला तुम हमारा पूरी भोजन करो। पूरी समझते हाँ, इसको भोजन करो, तुम्हारा गुरु का दुहाई। वो भी कर दिया। जब रास्ता में आने लगा तो एक तालाब में स्नान करने के लिए गया,
उस वक्त क्या हुआ, ना सांप ने उसको कुंडल को लेके चला गया। तब वो क्या करे, वो तो मिला नहीं। तब वो समझ लिया जो सांप ने ले गया और वो आपका बिल में घुस गया। वो जो फूम आया पुरुष जो दिया, उससे क्या हुआ, उसका शरीर में अमृत आ गया। वो था देवता, परीक्षा के लिए ऐसा बोला। और जो अश्व का गुज्जो देश में फू दिया, उससे आग निकला। वो वहां से निकाल के वो कुंडल वहां दे दिया, दे दिया, दे दिया। इसा गुरु पत्नी हाथ में पानी लेकर तैयार हो गया। वो आने से उसको अभिशाप दे देंगे, क्योंकि टाइम पार हो जाएगा। लेकिन टाइम पार होने का पहले ही आ गया और वो कुंडल दे दिया। वो तो हुआ नहीं। अभी यही जो किया, इसने क्या किया, जब परीक्षित का ब्रह्मशाप लगा, तब वो उनका ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किया और उस यज्ञ का वो पुरोहित बना। तीन होता है, एक होता है आहुति देना वाला, एक होता है जिसको बोलता है होता जो आहुति देता है, आज जो उसका अनुष्ठान करते हैं वो अद्भुत। और जो वो देखता है बराबर होता कि नहीं, वो होता है ब्रह्मा। ऐसा करने लगा। अभी जब ऐसा होने लगा, ये सब सांप को ये आहुति दे के गौतम करने लगा। लास्ट में आ गया, कौन आया, ये जब लास्ट में उसको भी दे देगा और उसके ऊपर कौन है, इंद्र, बोले उसको भी आहुति दे दो। तब वो जो ये था मोनी तस्ता, वो बोला शिष्ट शिष्ट, तो उसको दिया नहीं, तो वो एक बाज दिया और उनका ही वंशधर अभी है। तो ये गप्प सुनाने के लिए अधिकार क्या है, बा बोलने की जरूरत क्या, इसमें शिक्षा यही है। इसी माफी गुरु सेवा करे तो कर्मी जगत में भी फल मिलेगा, क्योंकि वो कर्म का योग्यता आएगा। इसको अगर भक्ति जगत में भी वही गुरु सेवा है, विश्रम्भेन गुरु सेवा तस्मात दीक्षा दिशिक्षणम। ये विश्रम्भ के साथ गुरु सेवा ना करने से ये फलाभ होगा नहीं, बड़ा मुश्किल। इसलिए देखा जाता है माधवेंद्रपुरी का शिष्य दो, एक है ईश्वरपुरी और एक है रामचंद्रपुरी। दोनों जब उन्होंने अशुष्क लीला किया और वो उस वक्त स्मरण करते हैं, यह हमारा कुछ हुआ नहीं, यही दुखी होके रोते हैं, क्यों, वो ब्रज मिला नहीं। और वही अवदास करते हैं, वही दीन दयार्दनाथ मथुरानाथ कदापि लक्ष्य हृदय तदलोक कातरम भ्रमती किं करो नहम। तो ये जो विरह, यही जो ये करना है, वो बराबर है, वो है कर्मकंड का, उसका शेष नहीं। और यहाँ है इसमें भक्तिकंड का, जो हमें ये मिला नहीं।
ये कौन सा भाव से बोल रहा है? ये राधा रानी का भाव। यहाँ जो बोला दीन दयाल दनाथ, ये भी श्लेष है, मतलब तो दीन दयाल तो ही है क्योंकि सब भक्तों को छोड़ के चला गया, ऐसा दीन दयाल दनाथ। और मथुरा नाथ ये भी श्लेष वाक्य है। अब ब्रजनाथ नहीं, गोपीनाथ नहीं, अब मथुरानाथ। तब कब दर्शन करेंगे? हिरम तद अलोक कातरम, आपका अदर्शन से हृदय कातर है, ऐसा बोला कि हमें वो मिला नहीं और उनमें आंसू बहने लगा। तो हे रामचंद्रपुरी क्या बोलते थे? अब ब्रह्म चिंता कीजिए, बोला तुम यहां से हट जाओ, तुमको देख के शरीर छोड़ने से हमारा अकल्याण होगा। इससे क्या हुआ? ईश्वरपुरी उनको सेवा किया। इसलिए सब समझना बड़ा मुश्किल, इसलिए बोलता है ये क्या समझेगा भक्तों, चरित्र समझना बड़ा कठिन। इनका प्रेम मिला ईश्वरपुरी को और इनको क्या हुआ? अपराध हुआ, शिष्य होने से ही होगा नहीं, बड़ा मुश्किल बात है। एक आय एक तरफ इनका पे हुआ, इनका जो गुरुचरण में अपराध हुआ ये जाके पहुंचा भगवान में, इसलिए इन्होंने जब कोई कृष्ण चैतन्य रूप से अवतरण किया उनका चरण में अपराध किया, विश्वनिंदो खोआ, ऐसा वो बनता है। अपराध ऐसी चीज है, इसीलिए बताता है सब कुछ करो, कोई बंधन में बोला अपराध छोड़ के, अपराध करो तो कुछ होगा नहीं, ऐसा बोला। अभी दूसरी तरफ सख्त बाहरी विचार से गुरु सेवा का कोई आदर्श देखने को मिलता नहीं, जैसे प्रहलाद ऐसा कुल में जन्म हुआ जहाँ साधु वैष्णवों का दर्शन असंभव, वहाँ आना ही माना है, लेकिन तब भी उनका जो हरिभक्ति ये खत्म हुआ हुआ नहीं। इसलिए जब प्रहलाद उसको पढ़ाई करने के लिए दिए संडो उमरको को पास दिया, उस बताओ तो 5 साल का लड़का जब आया बड़ा विनम्रता का साथ पिता को प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने से भी इसका प्रसन्नता का कोई कीमत नहीं, किस लिए? अस्थिर चित्त, अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकर, ये प्रसाद भी भयंकर। उनको प्रश्न किया ये तुमने जो अच्छा समझा ये मेरा पास बताओ, क्योंकि ऐसा गूढ़ प्रश्न कर दे अरे उत्तर दे ना सके सभा में ये शर्मिंदा होगा, इसलिए उनका ऊपर ही छोड़ दिया, तुमने जो अच्छा सीखा वही बताओ। उन्होंने क्या बोला? तत्साधु मन्ने असुर वज्र देहिनम सदा समुद्र विघिन ध्याम असत्ग्रह हित्वात्म पाकम गृहम अंधकूप वनम गतो हरिमश्रये। इसका मतलब है हे असुर वज्र, ये नए कोविद है, इसलिए जो कुछ बोलेंगे इस बात का कीमत है, इसलिए सभा में इसी मापिक शास्त्र मुताबिक बात बोला। हे असुर वज्र, पिता संबोधन किया नहीं, आप ये असुर श्रेष्ठ तो असुर का ये बात अच्छा लगेगा?
मैं उसी को ही अच्छा समझता हूँ जो गृहों में सत समागम साधु सेवा ये होता नहीं। यह है अंधक, जैसे जो कुआं में पानी नहीं है वहाँ कोई जाता नहीं, जहाँ पानी है वहाँ लोग जाते हैं। अगर जहाँ पानी है वहाँ कोई गिर जाए, जो पानी लेने वाला जो आएगा ये हल्ला मचाएगा, आदमी आकर के उनको उठाएगा। और जहाँ पानी नहीं है वहाँ गिर जाए, कोई आएगा उसका उठने का कोई मौका है नहीं लेता। ये प्रैक्टिकल देखा ब्रजमंडल परिक्रमा में, हमारा कैंप लगा था कामवन में, वहाँ एक कुआ था, कुआ का पानी अच्छा है लेकिन वो नैरा है, चारों तरफ ऊंचा करके ये रखा नहीं, इसलिए पहले ही मना कर दिया गुरुजी ने कथा का वक्त, कोई कुआ में पानी लेने के लिए जाना नहीं, जिसका पानी का जरूरत है ये हमारा जो सेवा करता है इनसे ही मांग के लेना, अगर उनको ना मिले ब्रह्मचारी से मांग के लेना, लेकिन कोई जाना नहीं। अभी कलकत्ता का एक माई, ये कभी कुआ देखा नहीं, एक कुआ का नाम सुन करके शेष रात्रि में वो कुआ देखने के लिए गया, ऐसा वहाँ झुका और गिर गई, साथ साथ वो गया त्रिविक्रम महाराज और डॉक्टर एसन घोष वहाँ वो पानी लेने के लिए, वो किनार पर ड्रम में रखा है, तो आवाज सुन के सब लोग आ गया और वो जो छोटा छोटा ऐसा बना के रखते हैं, माता लोग बैठ के रोटी पकाती है, वो लाया, उसमें रस्सी बांध के उसको उठा के लाया। अगर पानी ना होता कोई जाता? कोई नहीं जाता। तो इसी माफी जो गृहों में संत समागम होता नहीं, यह अंधा कुप, इसीलिए एक घर में ओरी कथा संत समागम होना जरूरी है, ऐसा वो बताया। जब तक ये ना होगा, और दूसरी तरफ बताया एकादशी महत्तम में, जेदीनि गृहेते भोजनो देखी गृहेते गुरु को भाई, जिस रोज घर में भजन होगा ये घर क्या बनेगा? गोलोक। गोलोक क्या है? गोलोक कोई साधारण स्थान नहीं है, ये ब्रह्मांड में जो जीव भटकता है इसमें से कोई भगवान जी हरेक नहीं, गुरु और कृष्ण का कृपा से भक्ति लता का बेल का बीज प्राप्त करती, गुरु ने भक्ति नहीं देता बीज देता, वही बीज को आरोपण करके पानी देते हैं, वो पानी क्या होता है? श्रवण कीर्तन, तब वो पौधा निकाल कर बड़ा होता है, बड़ा होने से कहाँ जाता है? एक चतुर्दश ब्रह्मांड का ऊपर जाता है, सब भेद करके चला जाता है, क्योंकि ये भक्ति लता बीज, ये कर्मकांडीय बीज नहीं, ज्ञान कांडीय बीज नहीं, वो चला जाएगा वहाँ, अर्थात स्वर्ग का तरफ ध्यान नहीं देगा, वो स्वर्ग तो पार होके ही जाएगा, ब्रह्मलोक देखेगा, वहाँ चक्टिक को देखने से उसका लालच होगा नहीं, आगे जाएगा बीरोजा जहाँ सृष्टि कदम, उसका बाद ब्रह्मलोक सत्यलोक, उसका बाद परब्रह्म वैकुंठ, लेकिन वही वैकुंठ का ऐश्वर्य देखकर ऐश्वर्य सेवा देखकर जिसका दिल उधर जाएगा वो भी नहीं पहुंच सकता है, कहाँ
कोई गोलोक, जब उस पर अपने का नहीं देगा, आगे जाएगा पानी देते रहेगा, वो तो आप चला जाएगा गोलोक, जहाँ कृष्ण का स्थान, जाकर के कृष्ण चरण रूपी जो कल्प वृक्ष, वही कल्प वृक्ष में वो सहारा ले, क्योंकि वेद सहारा बेगार नहीं रह सकता है। शास्त्र में बताया विनाश्रय न तिष्ठन्ति कोविता बोनिता लता, आश्रय बेगत नहीं रह सकता, वहां जाकर क्या करेगा, प्रेम फल देगा, और माली क्या करेगा उस वक्त, और ज्यादा सिंचाई करेगा, क्योंकि फल देता है पानी जरूर ज्यादा जरूरत होता है, इसलिए देखा जाता है जो प्रेम भक्ति में प्रतिष्ठित होता है ये अपना हरि नाम कभी छोड़ नहीं सकता। जैसे हरिदास 3 लोग को हरि नाम लेते थे, एक रोज हुआ उन्होंने प्रसाद लेके गया गोविंद, तो उन्होंने प्रणाम करके इतना सिल लिया, आज मैं प्रसाद नहीं ले सकता हूँ क्योंकि संख्या नाम पूर्ण हुआ नहीं। ये जाकर चैतन्य देव को बोला, तो आज हरिदास प्रसाद स्वीकार किया नहीं, चैतन्य महाप्रभु आ गया, हरिदास क्या बीमार है, तो उन्होंने क्या बोला, शरीर सुस्त है असुस्थ बुद्धि मन, शरीर तो सुस्त है लेकिन मन और बुद्धि असुस्थ, ये कौन सा बीमार है जिसमें मन बुद्धि असुस्थ होते, बोले संख्या नाम पूर्ण हुआ, तुम्हारे तो सिद्धावस्था है, इस वक्त संख्या घटा दो, बोले नहीं घटा सकता, क्यों नहीं घटा सकता, इस वक्त प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन एक छोड़ सकता है ना, इसी माफी वो देखा जाएगा जितना ही प्रीति होगा वो उतना ही बचना, जार जो तो नामी रुचि से तो बचना, तो हम लोगों का जो साधन जो कुछ है ये सब में समझा जाएगा जे हमारा वो नाम में कितना रुचि हुआ। इसलिए उस क्या बोला, जब वही गृह में भजन होगा एक गोलोक बन जाएगा, और गोलोक क्यों बना, गोलोक तो सर्वोपरि स्थान है, और घर में गोलोक कैसे बनेगा ना, इसीलिए बनेगा जब भगवान वहां आ जाएंगे, तो भगवान जहां जाएंगे वही तो गोलोक है। प्रमाण भगवान ने बोला, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में रहता नहीं, जो योगी मेरा ध्यान करता है वहां भी नहीं रहता, योगी नाम हृदय न च वहां भी मैं नहीं रहता, कहाँ रहते हो, तब आप रहने का कहाँ रहते, वैकुंठ में नहीं, ये सब जाएगा मैं नहीं, और वहां भी देखता नहीं, तो कहाँ जाते, ना मदभक्त तत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद हमारा भक्ता भक्त जहाँ गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। इसीलिए घर में जब कोई कीर्तन होता है तब घर गोलोक बन जाता है, इसलिए ये जरूरी है। बंशा कंपति कृपा सिंधु भई वज पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you.